संसद दुर्घटना में बाधा डालने से पहले पैदल चलने वालों में कार लगाने के बाद आतंकवादी हमले पर गिरफ्तार आदमी। एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत भयावह तोड़ने के बाद क्षेत्र को खाली कर दिया गया है। पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों में 50 मील प्रति घंटे की गाड़ी के बाद एक आदमी को संसद पर आतंकवादी हमले पर गिरफ्तार कर लिया गया है। संदिग्ध 20 के दशक में सशस्त्र पुलिस द्वारा हथकड़ी में दृश्य से दूर ले जाया गया था, जिसके बाद 7.40 बजे बहुत भयावह तोड़ने में कई लोग घायल हो गए थे। मौसम पुलिस ने पुष्टि की कि वर्तमान में दक्षिण लंदन पुलिस स्टेशन पर आतंकवादी अपराधों के संदेह पर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। गवाह बैरी विलियम्स ने कहा, यह एक हमले की तरह है दिख रहा था। एक बार जब वह साइकिल चालकों को मारा तो वह बाधा की तरफ बढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शी जेसन विलियम्स ने कहा, वह 40 या 50 मील प्रति घंटे की ऊंचाई पर में गया। मेरी राय में कुछ योजनाबद्ध और कुछ बहुत भयावह था, एक अन्य गवाह ने कहा। मैंने देखा कि एक रजत कार साइकिल चालकों की ओर बढ़ रही है, सड़क के गलत पक्ष उन्होंने उन्हें मारा, फिर सुरक्षा बाधा की ओर बढ़ गया और फिर तेज हो गया और इसे बहुत तेज गति से मारा। कार वास्तव मैं जमीन से उतर गई और फिर उतरा, उसने लगभग 5 साइकिल चालकों को मारा। वास्तव में एक उठ गया और कार का पीछा करना शुरू कर दिया। यह डरावना था, सशस्त्र पुलिस चिल्लाने लगे, जितनी जल्दी हो सके वापस चले जाओ, हम आपको एक कारण के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि वे के माध्यम से घुस गए थे। संसद में एक घर की रक्षक एल्मा ने 57 वर्षीय सूर्य को बताया। ड्राइवर को कार से बाहर निकाला गया था, पुलिस ने कार पर राइफलों का लक्ष्य रखा, वह कार के अंदर था। मैंने एक शोर सुना, पुलिस चिल्ला रही थी, वहां रहो वहां रहो, पैदल यात्री ईवा ओकाब ने कहा। मुझे लगता है कि दुर्घटना जानबूझकर लग रही थी। कार गति से और बाधाओं की तरफ बढ़ी, मैंने कुछ शोर सुना और कोई चिल्लाया। बस चालक विक्टर ओगबोमो 49 के सामने यात्रियों को गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने कहा। मैंने जो देखा वह एक वाहन से निकलने वाला धुआं था, एक रजत वाहन। मैंने बस को रोक दिया, पुलिस ने कहा कि हमें वापस जाना है। फिर 5 मिनट से भी कम समय में प्रतिक्रिया टीम आई। समझा जाता है कि स्टेशन के अंदर ट्यूब सुरक्षा यात्रियों को अपनी सुरक्षा के लिए रखा जा रहा है। जेसन विलियम्स ने कहा कि यह घटना बहुत डरावन थी, उन्होंने कहा। मैंने एक आदमी को वाहन चलाते हुए देखा है और वह बोर्ड में से एक में चला गया है, एक जोरदार धमाका था, सीधे मैंने सोचा अरे नहीं, यह एक और आतंकवादी हमला है, इसलिए मैंने अभी दौड़ना शुरू कर दिया है और पुलिस कह रही है कि निकल जाओ, क्षेत्र से बाहर निकले। दृश्य दिखाते हैं कि घायल साइकिल चालकों को पैरामेडिक्स द्वारा बाइक के रूप में माना जा रहा है सड़क पर लगी हुई है। नाटकीय तस्वीरें सशस्त्र अधिकारियों द्वारा हथकड़ी मैं वाहन से दूर होने वाले संदिग्ध व्यक्ति को दिखाती हैं। आतंकवादी खालिद मसूद आतंकवादी हमले में संसद के द्वारों को घुसपैठ करने के बाद एक साल बाद यह घटना सामने आती है। जिहादी सशस्त्र पुलिस द्वारा गोली मार दी जाने से पहले पुलिस पीसी की थपाम समेत 5 लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा विशेषज्ञ क्रिस फिलिप्स ने कहा कि यह घटना एक आतंकवादी हमले हो सकती है, उन्होंने इसे कहा। मुझे लगता है कि जब वाहन से संपर्क किया गया तो पुलिस अधिकारियों के लिए सबसे बड़े मुद्दों में से एक यह विस्फोट कर सकता था। यह हमलावर के लिए काफी सही ढंग से काम नहीं कर सकता है। संसद स्क्वायर, मिलबैंक और विक्टोरिया टावर गार्डन के आसपास की सड़कों और घटनास्थल पर अग्निशमन पुलिस एम्बुलेंस के दर्जनों के साथ की घेराबंदी कर दी गई है। ब्रिज कारों और पैदल चलने वालों और आसपास के ब्रिज के लिए बंद कर दिया गया, सिर पर बंद करने में भी है।
रहस्यमयी है। हमले का जवाब देने के लिए प्रशंसा की डॉक्टर और पुलिस प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। मेरे विचार उनके तत्काल और साहसी प्रतिक्रिया के लिए आपातकालीन सेवाओं पर और मेरे धन्यवाद में इस घटना में घायल लोगों के साथ हैं अनमेश देसाई। पुलिस उपाध्यक्ष और अपराध समिति ने कहा, यह एक गंभीर घटना है, लेकिन शुक्र है उन घायल जीवन चोटों की धमकी का सामना करना पड़ा नहीं किया है। हमारे विचार इस समय उनके साथ रहे। हालांकि यह भी इस घटना के कारणों के बारे में सत्ता करने के लिए जल्दी है। हमारे धन्यवाद करने के लिए जाना उनकी त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए पुलिस। हम लिंदानियों को एकजुट होने और हमेशा के रूप में सतर्क रहने के लिए याद दिलाएंगे। लंदन एम्बुलेंस सेवा ने पुष्टि की कि दुर्घटना के दृश्य में दो लोगों का इलाज किया गया था।